प्रदेश में शराबबंदी को लेकर पूर्व सीएम उमा भारती के तेवर तीखे हो गए हैं। उन्होंने सोमवार को ट्वीट के जरिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए नई शराब नीति पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने ट्वीट में कहा कि शराबबंदी की शुरुआत में शराब दुकानों के अहातों को सबसे पहले बंद करना चाहिए, उसके बाद दुकानों को। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज से उनके स्नेहपूर्ण संबंध 1984 से मार्च 2022 तक रहे हैं। पहले शिवराज उनसे कभी भी बात कर लेते थे, लेकिन अब मीडिया के जरिए बात हो रही है। उमा भारती के इस ट्वीट पर कांग्रेस कई तरह के कटाक्ष कर रही है।